हेलो फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से जय श्री श्याम। कैसे आप सब? अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप देख सकते हैं आज नहा धो के टाइम से तैयार हूँ, क्योंकि आज नानी, मामा और मामा की बेटी वगैरह ये सब आने वाले हैं। आज हमारे देवर जी आ जाएंगे अपने घर, तो उसको लेने आएंगे, और कुछ काम है तो वो भी एक रीज़न है, तो इसलिए तो मतलब तो एक काम भी है और उसको साथ में ले भी जाएंगे। तो बस आज ये लोग आने वाले से जल्दी उठ चुकी हूँ, काम वाम निपटा के नहा धो के दूध बत्ती वगैरह कर दी है। तो बस अब मम्मी वगैरह अभी सब अपने अभी चाय वाय पीने में लग रहे हैं। चाय वाय पी लेंगे तो ये सब भी नहाएंगे, उसके बाद वो लोग 11:30 बजे तक आ जाएंगे। तो फिर चलिए अब जाके किचन में लगती हूँ, कुछ देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। बाकी फिर मुझे आज मार्केट भी जाना है, तो मैं मार्केट भी जाऊँगी। चलिए अब चला जाएगा चाचू। ए तो फिर आएगा तो चाचू चाचू को स्कूल जाना है। कल से आप भी जाओगी स्कूल? बोला तो था 1 महीने बाद वापस आऊंगा। हाँ चाचू को भी तो स्कूल है यहीं पे। हम आए हैं मार्केट में टी शर्ट लेने, जिसमें जूडियो विशाल में धक्के खाने के बाद मेरी एक ये कुछ नहीं मिला। अब हमारे अपने मार्केट में ये देखो, मैं और बेबो डार्लिंग हम दोनों आए हैं। चलिए पसंद नहीं आ रही, हम बस चलते ही जा रहे हैं पर हम कुछ नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, धक्के खा के घर चले जाएंगे। घर में पड़े पड़े बोर ही हो रहे थे हम लोग। चलिए देखते हैं, कुछ ढूंढते हैं। पीछे कहाँ पॉली वाली, ये घुमा इसको टर्न कर करके हम लोग आ चुके हैं। क्योंकि मार्केट में ना आज थोड़ा सा मतलब शांति सी थी। अब ये सोचिए स्टॉल नहीं लग रहा, स्टॉल्स लग रहे हैं, सब लग रहे हैं। बाई चांस कोई एक आधा होगा, सारे लग रहे हैं। बस रश नहीं था क्योंकि धूप अब गर्मी होने लगी ना, इसलिए भीड़ भड़का नहीं था। फिर त्यौहार का अगला दिन, अरे वाह टाइट है कमर में गई। तो देखो ये टी शर्ट, ये ट्राउज़र कम्फर्टेबल है, स्ट्रेचेबल है। आप जैसे देखो, ये मैं अभी लेके आई हूँ एक ब्लैक कलर की टी शर्ट और लेके आई हूँ, आपको अभी दिखाती हूँ। एक ये लेके आई, एक ये टी शर्ट, ये इस पे भी चल रही है, इस पे भी चल रही है। फाइनली मुझे कुछ तो पसंद आया, फाइनली कुछ तो आया। तो ये देखो, तीन चार दिन से धक्के खा रही थी। ये देखो कैसी लग रही है बताना जरूर। करने के बाद अब बैठ गया, वही कपड़े पहन लिए क्योंकि इसके दिलवा के लाए थे इस मैडम के, तो इसका क्या कहते हैं वो ट्राउजर टाइट आ रहा था, तो इसी चक्कर में ना तो फिर मैं यही कपड़े पहन के चली गई थी। और भाई आज मामा नानी ये सब आ रखे हैं। आज हमारा हमारे देवर जी आज विदा लेंगे हमसे इस घर से। यही दी हमारी मम्मी, दोनों मम्मी बेटी की गॉसिप्स चल रही हैं। दोनों देखो चुगलियां चल रही हैं दोनों की, और इनको पता भी नहीं कि वीडियो बन रही है। हेलो वीडियो बन रही है, चुगलियां चल रही है चुगलियां। ये हमारी नानी लेटी, आज हमारी बिटिया रानी विदा लेंगी हमसे। इन बिटिया रानी के पापा ये सो रहे हैं, पापा सो रहे हैं, इनका फोन बज रहा है। ये सब अभी चले जाएंगे। हाँ शॉपिंग करने में बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। धक्के नहीं खाए, हाँ मतलब धक्के बेशक खाए, मगर आगे तक घूम के आते हैं। पर हाँ फिर जब हुई तो मिनट में शॉपिंग होगी। फिर दोबारा फिर हम भागे भागे बाजार गए स्कूटी उठा के, क्योंकि इसका मैं चलो तो फिर चली जाएगी तो चेंज नहीं होगा। हम तो वही पास में रहते, तो हम तो फटाफट चेंज कराते हैं। फिर इसकी फिर फटाफट से जाके इसका ट्राउजर चेंज करवा के लाई। बट मज़ा आया, कपड़े लाए तो सब परफेक्ट है, मुझे कोई चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चलिए यहाँ माँ बेटी की बातें चल रही हैं, अब नानी और मम्मी मतलब बातें करते हो, अब नानी जा रही हैं अपने घर को वापस। अब की बात तो मेरी मम्मी कई महीने में आई है, काफी काफी महीनों में। मैं भी नहीं गई, चीनू के बर्थडे पे आई थी बस। चीनू के बर्थडे पे नहीं, मामा के बर्थडे पे। हाँ मैं भी ना गई हूँ जब से। हाँ क्या करेंगे। तो भैया अब नानी मामा गाड़ी बैक कर रहे हैं, नानी जा रही है, चलो उनको बात कर देते। भैया वो देखो मामा जी हमारी गाड़ी बैक कर रहे हैं, ये जा रही है अपने घर को वापस। वो देखो लाडो रानी, मामा गाड़ी बैक करके ला रहे हैं। अब ये लोग जा रहे हैं अपने घर को वापस। भैया देखो अब ये चले, बाय बाय। एक वाला पीछे लग रही है। ये देखो मम्मी प्रसाद घाल रही है, कहाँ कहाँ का है प्रसाद? ये वैष्णो देवी का है। हाँ। ये वाला ये श्याम बाबा का है। अच्छा अच्छा अच्छा, पता नहीं मम्मी की भतीजी गई थी, बहन गई थी। हाँ तो ये वहाँ से आया है। हाँ, वो मैं कह रही मम्मी पता नहीं क्या घालने में लग रही है। और ये हमारी प्रिंसेस, प्रिंसेस कम, हेलो हाउ आर यू प्रिंसेस प्रसाद। ये देखो हमारे घर का हाल कुछ इस तरीके से हो रहा है। जैसे हमारे घर पे क्या चल रहा है चीनू? काम चल रहा। क्यों परेशान कर रही हो उसे, नहीं आना बाहर, जब आएगी तो अपने आप आ जाएगी बेटा। ये देखो अभी सब जाएगी, अब यहाँ सारा सामान हटा के अब
लगूंगी को सारे सामान को संगवाऊंगी, क्योंकि इस लड़की ने, ये लड़की है सामान को बिखेरने वाली। नहीं मिट्टू है। मचा रखा इसने घर का। दो चार दिन से ना मैं थोड़ा सा बस बिजी थी, मैं चल करने दे, कल जाना है इसे स्कूल, इसलिए आज सारा सामान प्रॉपर सब सारी जगह पे रखूंगी, कल से इसे भेजूंगी स्कूल। क्योंकि दो दिन की छुट्टी वैसे हो गई थी इसकी, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार आ रहा था, मतलब 20 तारीख को बीमार पड़ गई थी, 21-22 तक दो दिन स्कूल जाना तो रहेगी, फिर होली से गंदी बात, और फिर कल जाना था, सॉरी आज जाना था, तो आज भी नहीं जा पाई, अब कल से जाएगी स्कूल। हाँ तो भी बाहर गई थी किसी काम से, मैं चल कुछ तो ले चलूं, क्योंकि जब भी कुछ आओ ना तो ये बाट देखते कि मम्मी दादी पापा बुआ कोई भी कुछ जा रहा है तो कुछ लेके आए, इतनी ये मूछें होती हैं ऐसी। तो चलिए अब हम पहले खाने पीने का जुगाड़ करते हैं, उसके बाद फिर उसके बाद लगते हैं। तो यहाँ पे खाना बनके तैयार हो गया था, आज खाने में बनाती है पराठे, मम्मी ने लिया था मिर्च का अचार, दाल और चाय, और मैंने खाली चाय के साथ और अचार के साथ खाए थे। खाने का एक अलग ही मज़ा आता है, चाय और पराठे का स्वाद ही अलग है। यहाँ देखो इस मैडम ने अपना डॉल हाउस बना रखा है खुद ही, उसमें कैसी लेडी पड़ी है, सारे टॉयज रखे, ऐसे मस्त इंजॉय कर रही है। तो भाई खाना पीना भाई सब आपने देखा, खा पी लिया है हमने, मेरे मतलब ये व्लॉग थोड़ा सा और बड़ा था, बट पता नहीं कि कई बार इस फ़ोन में क्या दिक्कत आ जाती है कि उसमें आवाज़ ही नहीं आती। अब मुझे खुद भी नहीं पता कि उस व्लॉग में मैं क्या कह रही थी, क्या दिखाना चाह रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये व्लॉग बहुत छोटा बना है, बहुत ही ज़्यादा छोटा बना है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया खाने वाली वीडियो पे। तो मैंने चलो मुझे समझ आ गया कि हाँ वो मैं खाने का बता रही हूँ, तो उसमें मुझे वॉइस ओवर करना है, तो फिर मैंने उसे वॉइस ओवर कर दिया। तो मेरे 1% भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा उस मुझे व्लॉग में करना क्या है यार, कहना क्या है, तो बस वही था। भाई चार भी सो चुकी है, मैं भी सो लेती हूँ, क्योंकि शायद देखो कल भी शायद मामा आए, मामा का मतलब काम है तो उनका डेली ही चक्कर लगता है, तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि वो भी जल्दी ही आते हैं मामा वगैरह। तो चलिए आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग के साथ। तो बाय बाय, मुस्कुराते रहो, हमें देखते रहे, और सपोर्ट और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। तो बाय गाइस, बाय बाय।